हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप करांगे प्लस टू क्लास के हिस्ट्री सब्जैक्ट है जो उस दे विचों थर्ड चैप्टर तुहाडा 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब की राजनीतिक समाजिक अते आर्थिक दशा। इस चैप्टर के जिहड़े थर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ने जिहड़े वैरी शॉर्ट वो आप इस वीडियो के करांगे। तुहानू पता है कि तुहाडे एग्जाम के जिहड़े तुहानू वैरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने आ, सो उसकी प्रैपरेशन के लिए यह वीडियो है। तो नाल देखियो लास्ट तक ता जो तुहानू जिहड़े सही क्वेश्चन के सही आंसर आ वो पता लग सकन। स्टार्ट कर दिया अपने कोल फस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब की राजनीतिक दशा की मुख्य विशेषता की सी? पंजाब विच अराजकता फैली हुई सी, भ्रिष्टाचार का बहुता बोलबाला सी, शासक बहुत अत्याचारी सन। उपर लिखे सारे इन्हां दे विचों अपना जिहड़ा राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन, उपर लिखे सारे। ये तीनों है जिहड़े ये राजनीतिक दशा की मुख्य विशेषता सी पंजाब की 16वीं सदी के शुरुआत विच आरंभ विच। सैकेंड क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किस गुरु साहिब ने अपनी बाणी विच 16वीं सदी के पंजाब की राजनीतिक दशा बारे वर्णन किया है? इस दे विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, श्री गुरु नानक देव जी। ये क्वेश्चन तुहानू किसी भी तरह पुट किए जा सकते हैं, क्वेश्चन की तरह विदाउट ऑप्शनस तुहानू पूछा जा सकता, ऑप्शन दे के भी पूछा जा सकता, जां तुहाडे कोलों सही गलत दे विच पूछे जा सकते हैं, खाली थान की तरह पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन ते आंसर दोवां नूं ध्यान च रखना तां जो तुहानू सही आंसर आ हो लिख सको तुसीं किसी भी तरह क्वेश्चन जे तुहानू पूछा जाए। नैक्सट क्वेश्चन, 16वीं सदी के आरंभ विच दिल्ली विच जिहड़े वंश का शासन सी वह बाबर का मुकाबला नहीं कर सकिया सी, कि तुसीं उस वंश का नाम जानते हो? इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोधी वंश का, लोधी वंश। नैक्सट, लोधी वंश का संस्थापक कौन सी? लोधी वंश का जिहड़ा संस्थापक आ वह हैगा सी ए आंसर है अपने कोल बहलोल लोधी, बहलोल लोधी है जिहड़ा वह लोधी वंश का संस्थापक सी। इस तों इलावा इन्हां चारां दा जिहड़ा तुहानू पता होना चाहिए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इन्हां सारयां दा जिहड़ा इन्हां ने किहड़े साल तों लैके किहड़े साल तक जिहड़ा इन्हां ने राज कीता, सो इन्हां दा जिहड़ा राज करन दा जिहड़ा इन्हां दे ईयर सी साल सी वह हैगे सी जिहड़ा बहलोल लोधी सी, फस्ट जो लोधी वंश का संस्थापक सी उसने राज किया 1451 तो लैके 1499 ईस्वी तक, 1451 तो लैके 1489 तक जिहड़ा राज सी बहलोल लोधी का। सैकेंड अपने कोल है राज किसने किया, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का जिहड़ा काल सी वह किथों लैके किथों तक सी 1499 तो लैके 1517 ईस्वी तक, 1499 तो लैके 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी सी। उस तो बाद इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी है जिहड़ा वह 1517 ईस्वी तो लैके 1526 ईस्वी तक रहा, 1517 तो लैके 1526 ईस्वी तक। इस तो इलावा इब्राहिम लोधी सी जिहड़ा वह पानीपत की लड़ाई विच मारिया गया सी, 1526 जिहड़ी लड़ाई हुई सी 1526 तक इसका जिहड़ा काल राजकाल सी जिहड़ा वह चलिया सी, 1526 ईस्वी विच इह जिहड़ा पानीपत की लड़ाई विच मारिया गया सी, बाबर दे हत्थों हारिया सी। 21 अप्रैल 1526 नूं जिहड़ी लड़ाई हुई सी बाबर ते इब्राहिम लोधी दे विचकार, उस दे विच इब्राहिम लोधी आ जिहड़ा मारिया गया सी ते बाबर दी जित हुई सी। जे तुहानूं क्वेश्चन पुट किया जाए कि जिहड़ी 1526 ईस्वी विच पानीपत की पहली लड़ाई हुई उस विच जित किस दी हुई, तो उसका आंसर है अपने कोल बाबर दी। इब्राहिम लोधी का काल कदों तक सी? 1526 ईस्वी तक। सो ये क्वेश्चन एक्सट्रा तुहानूं पता होने चाहिए ने। नैक्सट है क्वेश्चन, बहलोल लोधी कदों दिल्ली के सिंघासन ते बैठा सी? इसका आंसर है अपने कोल बी ऑप्शन, 1451 ईस्वी। हुणी आपां ने किया कि जिहड़ा बहलोल लोधी है जिहने लोधी वंश का संस्थापक सी उसने 1451 तो शासन किया 1499 तक, सो स्टार्टिंग कितों ही सिंघासन ते बैठन की? 1451 ईस्वी तो। नैक्सट, हेठ लिखियां विचों कौन लोधी वंश का सुल्तान नहीं सी? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। इस दे विच अपना राइट आंसर है दौलत खान लोधी, क्योंकि तिना का काल जिहड़ा आपां ने किया इन्हां दे विचों जिहड़ा दौलत खान लोधी आ वह दिल्ली वंश जिहड़ा लोधी वंश का सुल्तान नहीं सी। नैक्सट है क्वेश्चन अपने कोल, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन सी?
लोधी वंश का जिहड़ा अंतिम सुल्तान है वह अपने कोल बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, जिन्हें कि 1526 तक राज किया सी इब्राहिम लोधी, क्योंकि उसके जिहड़ी लड़ाई के विच इह मारिया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी कदों दिल्ली के सिंघासन ते बैठा सी? इसका आंसर है अपने कोल सी ऑप्शन 1517 ईस्वी विच। 1517 तक सिकंदर लोधी ने राज किया सी, उस तो बाद 1517 ईस्वी विच इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंघासन ते बैठा, जिसने कि 1526 तक राज किया सी। नैक्सट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी किसका पुत्र सी? इसका आंसर है अपने कोल डी सिकंदर लोधी का। इब्राहिम लोधी है जिहड़ा वह सिकंदर लोधी का पुत्र सी। दौलत खान लोधी कौन सी? पंजाब का सूबेदार, ए ऑप्शन है इस विच अपना आंसर, पंजाब का सूबेदार सी दौलत खान लोधी। नैक्सट क्वेश्चन, दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार कदों नियुक्त होया सी? किस ईयर दे विच होया सी? बी ऑप्शन अपने कोल इसका राइट आंसर 1500 ईस्वी विच। हेठ लिखिया विचों कौन दौलत खान लोधी का पुत्र नहीं सी? इस दे विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन सिकंदर लोधी। हेठ लिखिया विचों कौन दौलत खान लोधी का पुत्र नहीं सी? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी का पहला नाम की सी? इसका आंसर है अपने कोल निज़ाम खान। सिकंदर लोधी का जिहड़ा पहला नाम सी वह निज़ाम खान सी। एक होर क्वेश्चन है तुहाडे कोल कि दौलत खान लोधी का पुत्र नहीं सी सिकंदर लोधी इन्हां ऑप्शनस दे विचों। नैक्सट क्वेश्चन कि सिकंदर लोधी का जिहड़ा दूजा नाम पहला नाम है वह की सी? निज़ाम खान। आलम खान लोधी कौन सी? सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर सिकंदर लोधी का पुत्र। आलम खान लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र सी। पंजाब का तिकोणा संघर्ष पंजाब लिए बहुत मारू सिद्ध होया, कि तुसी जानते हो कि यह कदों शुरू होया? तिकोणा संघर्ष जिहड़ा पंजाब का तिकोणा संघर्ष है वह कदों शुरू होया सी? किस साल दे विच शुरू होया सी? किस ईस्वी दे विच? इसका अपना राइट आंसर है 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब का तिकोणा संघर्ष शुरू होया। जे तुहानू सही गलती की तरह पूछा जाए तो उस दे विच अपना आंसर आएगा सही। पंजाब के तिकोणे संघर्ष विच कौन शामिल नहीं सी? बाबर, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। इस दे विचों अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन आलम खान लोधी। आलम खान लोधी है जिहड़ा वह पंजाब के तिकोणे संघर्ष विच शामिल नहीं सी। नैक्सट है क्वेश्चन अपने कोल, भारत ते हमला करन तो पहला बाबर कित्थों दा शासक सी? काबल, लाहौर, पिशावर, फरगना। इस दे विच अपना राइट आंसर है काबल। भारत उत्ते हमला करन तो पहला बाबर काबल का शासक सी। बाबर दे भारत ते हमले दा मुख कारण की सी? इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपर लिखे सारे। वह अपने राज दा विस्तार करना चाहुंदा सी, वह भारत विच्चों अपार दौलत प्राप्त करना चाहुंदा सी, वह भारत विच इस्लाम का प्रचार करना चाहुंदा सी। ये तीनों ही पॉइंट आ जिहड़े कारण सी बाबर ने जो भारत ते हमला किया सी उस दे। नैक्सट क्वेश्चन, बाबर ने भारत विच लोधी वंश नूं हरा के मुगल वंश की स्थापना की सी? की तुसी जानते हो कि उसने भारत उत्ते किन्ने हमले किए? भारत उत्ते किन्ने हमले किए सी? इसका आंसर है अपने कोल बी ऑप्शन 5। बाबर ने भारत उत्ते किन्ने हमले किए? 5। नैक्सट क्वेश्चन, बाबर ने पंजाब ते हमला कदों किया? इसका राइट आंसर है अपने कोल बी ऑप्शन 1519 ईस्वी। बाबर दे हमले समय पंजाब दा गवर्नर कौन सी? पंजाब दा गवर्नर है जिहड़ा वह कौन सी? इसका आंसर है दौलत खान लोधी, डी ऑप्शन दौलत खान लोधी। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर दे केड़े हमले की तुलना पाप की जंज नाल कीती है? सैदपुर ते हमला, भेरा ते हमला, पिशावर ते हमला, बजोर ते हमला। इस दे विच अपना फस्ट ऑप्शन है जिहड़ी ए वो है अपना राइट आंसर सैदपुर ते हमला। नैक्सट, बाबर ने सैदपुर ते हमला कदों किया सी? किस साल दे विच किया सी? इसका आंसर है 1520 ईस्वी। बाबर ने सैदपुर ते हमला 1520 ईस्वी किया, तो श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़े इस हमले की तुलना पाप की जंग नाल कीती सी।
ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਬਾਬਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸੈਦਪੁਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25th ਕੁਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਨ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਤਤਾਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਨ, ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਸੋ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੈਦਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਪਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਨ, ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਸੈਨਿਕ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਸੈਨਿਕ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 34th ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਜ਼ੀ, ਦਾਸ, ਨੌਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਜ਼ੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਰਹਿੰਦ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਈਦ, ਦੀਵਾਲੀ, ਨੌਰੇ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4।
मुस्लिम समाज तीन भागों च सी ते जिहड़ा हिंदू समाज आ उह चार भागों दे विच मुख जातां दे विच वंडिया होया सी। 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे हिंदू समाज विच किसनूं सर्व उच्च स्थान प्राप्त सी? उलमा, खत्री, काजी, ब्राह्मण। इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन ब्राह्मण। ब्राह्मणा नूं आ जिहड़ा सब तो उच्च दर्जा जिहड़ा प्राप्त सी समाज दे विच। 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे इस्त्री समाज नाल संबंधित हेठ लिखियां विचों किहड़ा तत्थ गलत है? कुड़ियां दे जम्मण नूं बहुत चंगा समझिया जांदा सी। इस्त्रियां दा दर्जा पुरशां दी जुत्ती दे बराबर सी। विधवा विआह ते पाबंदी लगाई हुई सी। समाज विच सती प्रथा दा प्रचलन सी। इस दे विचों जिहड़ा आंसर अपना ए ऑप्शन कुड़ियां दे जम्मण ते जम्मण नूं बहुत चंगा समझिया जांदा सी, ये कथन गलत है। नैक्सट, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे वधेरे हिंदू हेठ लिखियां विचों किस चीज़ की वरतों नहीं करते सन? मांस, प्याज, लसन, उपर लिखे सारे। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर मांस, प्याज, लसन, उपर लिखे सारे हैं जिहड़े ये इन्हां चीज़ां की वरतों हिंदू धर्म के सी जिहड़े नहीं करते सी 16वीं सदी की स्टार्टिंग दे विच। 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे हिंदुओं का हेठ लिखियां विचों किहड़ा मनोरंजन का साधन नहीं सी? ताश, ईद, शतरंज, नाच। इस दे विच अपना राइट आंसर है ई, ईद, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे लोकां दा मुख किता की सी? व्यापार, उद्योग, खेतीबाड़ी, पशु पालन। इस दे विच अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन खेतीबाड़ी। नैक्सट क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दी सब तो प्रसिद्ध फसल केड़ी सी? कणक, गन्ना, चौल, उपर लिखियां सारियां। इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपर लिखियां सारियां। नैक्सट, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दा सब तो प्रसिद्ध उद्योग केड़ा सी? चमड़ा उद्योग, शस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, हाथी दंद उद्योग। इस दे विच अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन कपड़ा उद्योग। 45वां क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच हेठ लिखियां विचों केड़ा गर्म कपड़ा उद्योग दा केंद्र नहीं सी? जलंधर, कश्मीर, अमृतसर, कांगड़ा। इस दे विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन जलंधर। नैक्सट क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे मुसलमानां दी केड़ी जाति व्यापार दा काम करदी सी? महाजन, खोजा, सूद, बाणिए। इस दे विच अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन खोजा। नैक्सट, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दा व्यापार हेठ लिखे किहड़े देश नाल नहीं हुंदा सी? चीन, सीरिया, जापान, ईरान। इस दे विच अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन जापान। नैक्सट क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब विचों किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता सी? खंड, रेशम, कपाह, घोड़े। इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन घोड़े। 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब का सब तो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र केड़ा सी? इस दे विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन लाहौर। लाहौर है जिहड़ा सब तो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र सी पंजाब का। नैक्सट, 16वीं सदी के शुरू विच पंजाब दे लोकां दा प्रमुख धर्म केड़ा सी? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, सिख। इस दे विच अपना आंसर है जी बी ऑप्शन हिंदू। जोगियां दी नाथपंथी शाखा की स्थापना किसने की सी? गोरखनाथ, महात्मा बुद्ध, शिवनाथ, स्वामी महावीर। इस दे विच अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन गोरखनाथ। नैक्सट क्वेश्चन, पुराणा विच विष्णु दे किन्ने अवतारों का वर्णन किया गया है? 5, 24, 10, 25। इस दे विच अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 24। नैक्सट अपने को 53rd क्वेश्चन, 16वीं सदी के शुरू विच हेठ लिखियां विचों केड़ा मत हिंदू धर्म नाल संबंधित नहीं सी? शैव मत, शक्ति मत, वैष्णव मत, सूफी मत। इस दे विच अपना जिहड़ा राइट आंसर वो है डी ऑप्शन सूफी मत। हिंदू धर्म नाल नहीं संबंधित सी ये सूफी मत। नैक्सट क्वेश्चन, इस्लाम का संस्थापक कौन सी? अबू बकर, हजरत मुहम्मद साहिब, उमर अली। तो इस दे विच अपना जिहड़ा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन हजरत मुहम्मद साहिब। नैक्सट, इस्लाम की स्थापना कदों की गई सी? 5वीं सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी, 8वीं सदी। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 7वीं सदी। इस्लाम का पहला खलीफा कौन सी? बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर अबू बकर।
नैक्सट क्वेश्चन, सूफी शेखां दी विचारधारा नूं की कहा जाता है? पीर, दरगाह, तस्वुफ, सिलसिला। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तस्वुफ। नैक्सट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन सी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकरिया, शेख फरीद जी, शेख निज़ामुद्दीन जी, निज़ामुद्दीन औलिया। इस दे विच अपना जिहड़ा राइट आंसर है ए ऑप्शन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती तो तुसी याद रख सकते हो कि नाम दे नाल ही मिलदा। सो चिश्ती सिलसिले का संस्थापक है जिहड़े ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सी। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच चिश्ती सिलसिले का सब तो प्रसिद्ध प्रचारक कौन सी? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल है 59 का, अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, शेख फरीद जी। नैक्सट अपने कोल क्वेश्चन, पंजाब विच सुहार वर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र कित्थे सी? स्थान का नाम दसना, मुल्तान, जलंधर, लाहौर, अमृतसर। इस दे विच राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, मुल्तान। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किसने कवाली गाउण की प्रथा नूं शुरू किया? इस्लाम ने, हिंदुआ ने, सूफिया ने, सिखा ने। इस दे विच अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, सूफिया ने। सूफिया ने जिहड़ा कवाली गाउण दा जिहड़ी प्रथा उह स्टार्ट कीती सी, शुरू कीती सी। नैक्सट क्वेश्चन, सोलहवीं सदी के शुरू विच पंजाब के व्यापारी वर्ग विच केड़ा मत प्रचलित सी? बुद्ध मत, सिख मत, सूफी मत, जैन मत। इस दे विच अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, जैन मत। सो स्टूडेंट्स, ये सी तुहाडे प्लस टू क्लास के हिस्टरी के थर्ड चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।